टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रस्क्रिप्टिव मॉडल प्रस्क्रिप्टिव का लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि प्रिस्क्राइब करना कि जिस तरह डॉक्टर हमें कुछ प्रस्क्राइब करता है कि हम डॉक्टर को कुछ बताते हैं कि जी हमें ये ये डिजीज़ हैं ये ये सिम्टम्स हैं तो हमें कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसन जो कि हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो हमें हम, हमें ये हम पर होता है कि हम डॉक्टर की प्रस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ या प्रिस्क्रिप्शन वाली जो एहतियात होती हैं या केयर होती हैं वो हम करें तो अच्छी बात है वो हमारा एक हमें हमें फ़ायदा तो होगा अगर हम उस प्रिस्क्रिप्शन पर अमल नहीं करते तो डेट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन तो है ही अमल ना करें या ना हम करें ये तो हमारी अपनी है लायकी या नलायकी है तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स भी ये होता है कि इट एडवोकेट्स एन ऑर्डरली अप्रोच टू सॉफ्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज ऑर्डर कि इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में लिखी होती हैं फॉर एग्जांपल ये आप नीचे देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं पहले कम्युनिकेशन होती है फिर प्लानिंग होती है फिर मॉडलिंग होती है फिर कंस्ट्रक्शन होती है फिर डिप्लॉयमेंट होती है तो ये हम वन बाई वन भी देखेंगे बट ये है कि इस तरह एक फ्रेमवर्क है एक्टिविटीज़ का हर एक फ्रेमवर्क के अंदर मजीद कई एक्टिविटीज होती हैं मीन I कम्युनिकेशन mean, के अंदर उसके कई सब प्रोसेस होते हैं प्लानिंग के अंदर उसके कई सब प्रोसेस होते हैं एंड एंडवाइस वर्सा तो प्रोसेस फ्रेमवर्क हमने लास्ट लेक्चर में भी जिस तरह देखा था कि एक्टिविटीज़ विद सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन ईच एक्शन इन टर्म ऑफ टास्क द वर्ल्ड टू बी अकॉम्पलिश टू मीट द गोल्स कि हर एक्शन अपने गोल को पूरा करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन करता है कि ओवरऑल गोल इन पांच पांच जो फेजेस हैं जो ये कम्युनिकेशन प्लानिंग मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट पांचों का फेज़ क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और हर टास्क हर एक्टिविटी क्या करती है कंट्रीब्यूट करती है कि टू अकॉम्पलिश टू मीट द गोल्स द रिजल्टेंट प्रोसेस मॉडल शुड बी अडाप्टेड टू अकोमोडेट द नेचर ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पीपल डूइंग द वर्क एंड वर्क इनवायरमेंट कि कोई भी प्रोजेक्ट हो कोई भी लोग हों कोई भी काम हो किसी नेचर का कोई भी इन्वायरमेंट हो काम यही हो रहा होगा क्योंकि ये प्रिस्क्राइब मॉडल है कि ये हमें एक क्लासिक्स हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बुजुर्गों ने या जो भी इसके बड़े थे उन्होंने ये बता दिया है कि जी जब भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको ये ये वाले काम करने पड़ेंगे तो रिगार्डलेस फ्रॉम द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पीपल एंड वर्क एंड एनवायरमेंट वी मस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज प्रोसेस फ्रेम दैट इंक्लूड एक्टिविटीज़ जो ये इक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल कॉलिंग दिस मॉडल एज अ प्रिस्क्राइब बिकॉज इट रिकमेंड अ सेट ऑफ प्रोसेस एलिमेंट्स एक्टिविटीज एक्शन टास्क वर्क प्रोडक्ट एंड क्वालिटी तो इसमें ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब होती हैं ये एक सजेशनस होती हैं कि आप ये वाले प्रोसेस करें ये वाली एक्टिविटीज़ करें ये वाले एक्शन्स करें ये वाले टास्क परफॉर्म करें ये वाली इस तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी को गेज करें तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन होती है एक सजेशनस होती हैं आप करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है आप रिक्वायरमेंट्स मिले ही नहीं आप यूज़र की बस इंट्रस्ट पे बताएं कि हाँ जी इसको तो मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए यस yes. तो आप बेशक इस तरह कर लें आप डिज़ाइन बनाए नहीं आप डायरेक्ट वह कोड लिखना शुरू कर दें आप उसका डायरेक्ट कोड की मैंटेनेंस करनी शुरू कर दें आप बगैर उसकी कोई टेस्ट वगैरह करें ही नहीं तो ये तो आप पर है बट जो प्रिस्क्राइब है जो एक लिखी हुई चीज़ है जो कि डॉक्यूमेंटेड चीज़ है वो ये है कि आपको ये ये एक्टिविटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी तो ईच एलिमेंट और इंटर रिलेटेड टू तो वन एंड अनदर इसमें हर एलिमेंट क्या होता है वन कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग होती है मॉडलिंग फिर होती है फिर मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन होती है कंस्ट्रक्शन के बाद डिप्लॉयमेंट होती है तो हर एलिमेंट जो है वह दूसरे के साथ क्या होता है रिलेट होता है ये कम्युनिकेशन के अंदर हमें इसको वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं लेकिन जो इसके अंदर अंदर स्टेप है उनको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं और इसको हम क्लासिक्स भी बोलते हैं लाइफ साइकिल का कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो उसमें बनता है उसका जो साइकिल होता है वो किस तरह बनता है वो हमारे पास ये क्लासिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है इसको हम वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं जिस तरह नेम से के वाटर और फॉल वाटर सिर्फ गिरता है वो वापस नहीं जाता ऊपर आपने जितने भी दुनिया में वाटर फॉल्स देखी हैं वो नीचे ही गिर रही हैं वो ऊपर नहीं जा रही शायद ही कोई शाजो नादर ही हो और इसमें वो बता रहा है कि कम्युनिकेशन के अंदर दो काम होते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग में प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हमें क्या कहते हैं कि बिल्ड करना विन करना प्रोजेक्ट विन करना आप बिड करते हैं कि जब हम ये आपको इतने में चीज़ बना देंगे और फिर उसको रिक्वायरमेंट्स लेते हैं रिक्वायरमेंट्स रिफाइन करते हैं के आपको क्या क्या चाहिए कौन सी चीज़ किस तरह चाहिए आपका गोल क्या है आपकी यूजर स्टोरीज क्या हैं <coughs> फिर आप प्लान करते हैं कि जी इस्टिमेशन इतनी होगी स्कैजिंग इतनी होगी टाइम एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन ये प्रोजेक्ट की पूरी ट्रैकिंग के कौन से ह्यूमन डिपेंडेंट टास्क हैं कोई कौन से मशीन डिपेंडेंट टास्क हैं किस टास्क पर कितना टाइम लगना है वो सारा हम इधर प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं मॉडलिंग के अंदर हम एनालिसिस करते हैं और डिज़ाइन करते हैं एनालिसिस में हम उसका आप कह लेंगे एक हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं एक उसका आर्किटेक्ट बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं उसका एक कंपोनेंट्स डिफ़ाइन करते हैं उसके मॉड्यूल्स डिफ़ाइन करते हैं और डिज़ाइन में हम उसके उसके ऑपरेशन उसका बिहेवियर उसका सीक्वेंस उसका फ़्लो डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी कौन सी बाद में होगी कौन सा कंपोनेंट पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा या कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा मॉड्यूल पहले बनेगा कौन सा बाद में बनेगा किस मॉड्यूल का फ्लो किस तरह है वो हम सारी चीजें मॉडलिंग के अंदर देखते हैं उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जब हमारे पास एक आर्किटेक्चर डायग्राम या एक डिजाइन डायग्राम बन चुकी होती है उसके बाद हम उसके हिसाब से कोड कोड करते हैं सेम लाइक like हम जिस तरह बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं हमारे पास एक आर्किटेक्ट होता है आर्किटेक्चर बनाता है और आर्किटेक्चर बनाने के बाद वो हम नक्शा हम अपने मिस्त्री को दे देते हैं आप अपने हम जो भी हमारा लेबर होती है उसे दे देते हैं तो वो लेबर क्या करती है कोड करती है या लेबर क्या करती है वो घर बनाती है इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी डिज़ाइन के बाद हम वो चीज़ दे, दे देते हैं किसको को को और डिवेलपर क्या करता है वो सारी कंस्ट्रक्शन करता है उसका कोड लिखता है फिर उसका टेस्ट किया जाता है टेस्ट उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से मॉडलिंग में चीज़ें डिफाइन थी कि ये टेस्टिंग और मॉडलिंग ये दोनों बड़ी रिलेटेड चीज़ें हैं टेस्टिंग हम उसी चीज़ की करते हैं जो मॉडलिंग में चीज़ डिफाइन हो <coughs> फिर हमारे पास आती है डिप्लॉयमेंट एक्चुअली डिलीवर हमने किस तरह करनी है अपनी प्रोडक्ट को तो ये हम फिर उसका फीडबैक किस तरह लेना है तो ये हम हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप शुरू कर रहे हैं हम इसमें कोई स्टेप मिक्स नहीं आया कोई स्टेप ओवरलैप नहीं कर रहा कोई स्टेप वापस नहीं दोबारा रिपीट हो रहा तो इसमें हम एक फ्लो में चल रहे हैं इसी वजह से हम इसे वाटरफॉल कहते हैं मीन ये गिर रहा है हर स्टेप के बाद नेक्स्ट हर स्टेप के हमने लास्ट में देखा था कि इंटर रिलेटेड वन टू तो वन अंदर कि एक के बाद दूसरी शुरू होती है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आप एस्टिमेट करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट पर कितना टाइम लगना है आपका प्रोजेक्ट कैजल होगा तो आप उसका प्रॉपर क्या करते हैं उसकी मॉडलिंग करते हैं कि जी हाँ जी जिस इन रिक्वायरमेंट्स का ये डिज़ाइन बनना है इन रिक्वायरमेंट्स का ये डिज़ाइन बनना है और डिज़ाइन होगा तो कंस्ट्रक्शन होगी तो दीज आर ऑल द फेजेस दैट आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर सो सो ये इसका जो डिटेल uh, में बताया गया है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस किस तरह करना है वो सर्व रिक्वायरमेंट्स हमारे पास यूजर की कॉन्स्ट्रेंट uh, होती हैं गोल्स होते हैं स्कैजिंग का ट्रैकिंग uh, किस तरह होती है कि प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है उसको हम पूरा ट्रैक करते हैं उसको हम मेटेन रखते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह होता है वो ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है ये हम बातें कर चुके हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन्वॉल्व क्या होता है इसके अंदर एब्रैक्शन होती है रिलेशनशिप डिफ़ाइन होते हैं इंटीग्रेशन किस तरह होती है चीज मॉड्यूल्स आपस में जुड़ते किस तरह हैं और उसकी फिर टेस्टिंग किस तरह होती है और फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस किस तरह परफॉर्म होती है तो ये हम चीज़ें लास्ट सारी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं जैसे हम बता चुके हैं कि चेन मेन डिजास्टर चेन मेन फेलवर इसमें चेंज नहीं आ सकती आपने एक दफ़ा पूरी की पूरा काम कर लिया आपने रिकॉमर्स ले लिया है दोबारा आप प्लान ही करेंगे आप दोबारा कभी रिकॉमर्स नहीं लेंगे तो इसमें वो कह रहा है कि चेंज नहीं होंगी रिकॉमर्स और मॉडल इम्प्लाईज दैट शुड अटैप टू कम्प्लीट अ गिवन स्टेज बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज एक स्टेज कम्प्लीट होगा तभी आप दूसरे स्टेज पर जा सकेंगे आप इंटर रिपीट uh, नहीं कर सके उसके अंदर और मॉडल दैट दट द प्रोडक्ट इज फिनिश एवरीथिंग एल्स इज कि जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी काम होगा वो मैंटेनेस में आएगा कोई भी काम रीवर्क में नहीं आएगा सरप्राइज एट द एंड आर वेरी एक्सपेंसिव कि यूजर अगर कहे हा oh, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं तो दैट आर वेरी एक्सपेंसिव सम समीम्स इट आइडियल फॉर अदर टीम्स टू फिनिश फॉर एग्जाम्पल जो टीम अगर प्लानिंग कर रही है तो ये तीन टीमें फ्री बैठेंगी और ये कम्युनिकेशनल भी फ्री बैठेगी अगर हम मॉडलिंग हो रही है तो ये बाकी सारी टीमें फ्री बैठेंगी अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बाकी सारी टीमें फ्री बैठेंगी फॉर दिस मॉडल इज ओनली अप्रोप्रिएट वेन द रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड एंड चेंजेस विल बी फेयरली लिमिटेड ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस तो इसलिए इसको उसी दफा उसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट सारी की सारी कंप्लीट हो क्लियर हो और आ, हम उसको अंदर आ, पूरा कड़, पूरी अपनी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं आप एग्जांपल ले लें कि हमारे हम लैस बहुत हम कहते हैं कि हमारा एक साल का प्रोजेक्ट है और हमने फेसबुक बनानी है और उसकी जी ये जी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र अपना कमेंट्स कर सके लाइक कर सके शेयर कर सके अपनी पिक्चर अपलोड कर सके तो क्या होगा एक साल के अंदर उसके जो रियल फेसबुक है वो कहीं इन्वॉल्व कर चुकी है उसके अंदर नई एमओजीज़ आ चुकी होंगी उसके अंदर नई फीचर्स आ, आ चुके होंगे बट हमारा क्या होगा कि हमने तो वही प्रकॉर्मेंट्स इंप्लीमेंट करनी है जो हमने एक साल पहले पूरी की पूरी ले ली थी तो हम इसके अंदर इवॉल्व नहीं कर सकते इवॉल्व इवॉलविन हम इसके अंदर प्रोग्रेसिवली अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते जो चीज़ें एक दफ़ा हमने इकट्ठी कर, कर ली वो कर ली तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मुश्किल होता है वाटरफॉल को अप्लाई करना रियल प्रोजेक्ट्स आर रेयरली फॉलो दिक्वेंशियल मॉडल और ये बहुत रेयरली यूज होता है डिफिकल्ट टू द कंजर टू स्टेट ऑल दर कॉमर्स एक्सप्लोसिवली ये बहुत मुश्किल होता है कस्टमर के लिए कि वो सारी की सारी कामर्स एक दफ़ा बता दें और अज्यूम पेशेंस फ्राम द कस्टमर वर्किंग वर्जन ऑफ प्रोग्राम विल नॉट अवेलेबल प्रोग्राम नॉट गेटिंग चेंज जब तक चेंज नहीं आती ये काम बहुत अच्छा चलता रहेगा अगर चेंज आएगी तो वो एक नया वर्जन ही बन सकता है वो उसका रीवर्क नहीं होगा तो इस लेक्चर में हम यही को प्रस्क्रपटिव मॉडल देखा कि हम चीज़ों को किस तरह प्रस्क्राइब करते हैं हमने इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल देखा क्लासिक्स ऑफ लाइफ साइकिल देखे इसकी लिमिटेशन देखी तो मज़ीद हम मजीद जो अच्छे मॉडल्स हैं उनके बारे में जानेंगे एक्सपीडियोज़ में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग थैंक यू